मैं कमेंट और AK सिंह। और आज फिर हम RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी करेंगे। और RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 में क्या करेंगे, यानी कि थ्योरी सेक्शन देखेंगे। और बच्चों आपको ये लग रहा होगा कि वीडियो कहीं ना कहीं एक किसी का अभी आपके सब्जेक्ट की नहीं आ रही, कभी किसी और सब्जेक्ट की नहीं आ रही। सब्जेक्ट की यानी कि आपको संडे से यानी कि सारी रेगुलर वीडियो मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा यहाँ घर में कुछ इस तरह की सराउंडिंग या फिर एक तरह से समस्या है हो रही है कि आपको मैं सिर्फ और सिर्फ एक से दो ही वीडियो कहीं ना कहीं बना पा रहा हूँ, जिससे क्या है मुझे फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। या तो वाईफाई की दिक्कत हो रही है और घर में थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, तो इस वजह से आपको वीडियो के एक या दो में कमी आ रही होगी, ठीक है। तो और ये भी हो सकता है कि आपको कल वीडियो, यानी कभी आपको ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो ना मिले, पर संडे से मैक्सिमम संडे से या संडे मंडे से आपको रेगुलर वीडियो मिलनी शुरू हो जाएगी। जो आपकी सब्जेक्ट यानी सब जैसे RPSC की है, CTET की है, वो भी शुरू होनी है, तो अभी आपको थोड़ा सा सामना करना पड़ रहा होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, पर आपको वीडियो मिलनी शुरू हो जाएगी संडे से, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज का क्या है, नहीं कि आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, आज का हमारा टॉपिक क्या है। और RPSC वाले स्टूडेंटों को क्या करना है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। जितने भी आपके PDF है, यानी कि PYQ आपका PDF में आपको मिल चुका है और PDF में उसके क्या है सॉल्व कर चुका है, तो PYQ आपको प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना है। मॉक टेस्ट की जितने PDF हैं वो आपको सारे के सारे PYQ इसमें मिलेंगे। जितने भी सारे के सारे प्रैक्टिस सेट है सब कुछ आपका मिलेगा कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर। तो आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तो हमने कल क्या कर लिया था, कॉमन यानी कॉमन आइसोलेट कर लिया था। आज करना है हमें नोटेशन। नोटेशन क्या होता है, नोटेशन एक तरह का सीधे सीधे मान के चलिए, जैसे हमारा क्या है कॉल नंबर होता है, यानी कि कॉल नंबर होता है ना, और एक तरह से तो उसी तरह का एक तरह से नोटेशन की बात आती है। नोटेशन हमारा क्या है, उस चीज़ के फॉर्म में हमें पता होना चाहिए। चलिए तो हम चलते हैं आज के टॉपिक। तो नोटेशन में चलो सबसे पहले आपको क्या है, यानी नोटेशन क्या है, जैसे वर्गीकरण होता है ना, वर्गीकरण में क्या है नोटेशन में कॉल नंबर, यानी कि लिखिए हिंदी में मैं बता देता हूँ, नोटेशन जिससे यानी जैसे वर्गीकरण में नोटेशन क्या है, नोट वर्गीकरण नोटेशन या कॉल नंबर के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और पुस्तकालय वर्गीकरण में प्रणाली यानी प्रणालियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और क्या करता है, यानी कि एक तरह से यह क्या करता है, पुस्तकालय के भीतर विषय सामग्री और कहीं ना कहीं जो सामग्री के स्थान प्रतिनिधित्व के करने के मानकृत और व्यवस्थित तरीके को प्रदान करता है। क्या करता है, एक मानकृत तरीके को प्रदान करता है। और कहीं ना हाँ एक चीज़ और बच्चों ध्यान रखना, जो भी स्टूडेंट्स नोट्स की या फिर क्या है लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हो, सबसे इजी एक तो अगर आपको नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के नोट्स मिल जाए, राशि यानी UP राशि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के नोट्स मिल जाए, ये खासकर हिंदी वाले स्टूडेंटों के लिए, और फिर उसके बाद अगर इन दोनों के भी ना मिले वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी के नोट्स पे करना, क्योंकि सबसे पहले इन दोनों के नोट्स लेके चलना बच्चों, हिंदी वाले BLEAV के हिंदी के नोट्स निकाल लो, इसके अप्रोप्रिएट रहेंगे MLEAV के निकाल लो, बस इससे ज़्यादा मत निकालना। और इंग्लिश वालों के लिए एक ही माई बाप है, वो है क्या है IGNOU के, ठीक है। तो अगर आपको नोट्स यानी कि नोट्स की जो अगर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है या फिर आपको चीज़ों को और पढ़ना है, तो आपको यहाँ से आपको देखने मिल जाएगा। मैं भी आपको कहीं ना कहीं यहाँ से कहीं ना कहीं चीज़ें समझा रहा हूँ, जिससे आपको और ईजी है फॉर्म में समझ में आ जाए, क्योंकि देखो टीचिंग का मतलब ये है टीच कराना, यानी कि कहीं ना कहीं मैं भी मैं पढ़ूंगा आपको, मैं जो मेरे पास प्रीवियस नॉलेज है वो, और जो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें वो, और आपको कहीं ना कहीं नोट्स में अगर क्या है लिक्विड यानी एक तरह से PDF फॉर्म में या किसी चीज़ में चाहिए, तो कहीं ना कहीं मैं भी तो आपको बताऊँगा। ऐसे थोड़ी कि कहना मैं आपको ये कहूँ कि बस इसी पर डिपेंड रहो या फिर इसी पर डिपेंड रहो, मैं खुद कहता हूँ इसी पर डिपेंड रहो कि और चीज़ें कि एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो ज़्यादा दिमाग मैं आपको उथल पथल रहेगी, क्योंकि UGC के अकॉर्डिंग तो चीज़ें सही हैं, पर कहीं ना कहीं जब आपके RPSC की तैयारी कर रहे हो तो RPSC में आपको इतने तक ही सीमित रहना चाहिए। ज़्यादा करनी है आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी कि प्रैक्टिस सेट में चीज़ें करनी है। चलिए यानी कि आपको क्या है, सबसे पहले आपको समझ में आना होगा
नोटेशन, यानी कि नोटेशन में क्या है, देखो आप में क्या एक चीज़ देखी होगी, अंक चिन्ह और प्रतीक, यानी कि प्रतीकों को क्या कहा जाता है, यानी अंक चिन्ह को या प्रतीक का को कहते हैं, कि एक प्रतीक क्या है, जो चीज़ें हैं वो हमारे क्या है वर्गीकरण में अलग अलग चीज़ों को, यानी कि अलग अलग चीज़ों को डिनोट कर देती हैं, जैसे कोलोन है, सेमी कोलोन है, अर्ध कोलोन है, ये सारी सारी आपको पता है, ये हमारे चीज़ों को एक तरह से अलग दिशा में लेके चलती। अब ग्रंथालय के जो वर्गीकरण की बात आती है, ग्रंथालय के वर्गीकरण में हमने क्या करना है, हमें पढ़ना है आपका क्या, यानी कि आपके कहीं ना कहीं चीज़ों को हम चीज़ों को हम जब लेके चलते हैं तो आपके नोटेशन वाली बात आती है, यानी कि नोटेशन की आपको एक तरह से चीज़ें पता लगेगी कि नोटेशन है क्या। अब नोटेशन आपको पता चलेगी तो नोटेशन की आवश्यकता क्यों होगी, या फिर एक तरह से रंगनाथन की, यानी कि रंगनाथन जी की डेफिनेशन लिख लीजिए, ये पूछी जाती है, SSR लिखता हूँ मैं, SSR यानी SSR रंगनाथन जी के अनुसार लिखते हैं, वर्गीकरण वर्गीकरण पद्धति, वर्गीकरण पद्धति में वर्गों के लिए, वर्गीकरण पद्धति में वर्गों का होगा का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयुक्त क्रमिक अंकों की व्यवस्था को अंकन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अंकन कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अब यानी कि मैन के अनुसार क्या है, वर्गीकरण और उसके उप विभागों के लिए निर्धारित चिन्हों का उस पद्धति का अंकन कहा जाता है। तो यहाँ तक कि आपको समझ में आ गई, यानी कि डेफिनेशन के अंतर्गत चीज़ें समझ में आ गई। अब इसकी क्या है आवश्यकता क्यों है हमें, आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता, ठीक है। अब आवश्यकता क्या है, यानी कि देखो सबसे पहली बात आएगी ग्रंथ, यानी कि ग्रंथालय में सामग्री के लिए एक तरह से पाठ्य सामग्री का एक तरह से व्यवस्था, और वर्गीकरण की बात आती है, यानी कि एक तरह से हम कैसे करते हैं, आपको मैं कहूँ कि आपको क्या करनी है, ये 1000 किताब है, यानी कि 1000 के 10000 किताब है, अब इसे क्या है लाइब्रेरी में लगाओ, सबसे पहले क्या तरीका उठाओगे, हिंदी की किताब हिंदी में यानी एक जगह लगा दो, मैथ की किताब मैथ एक जगह लगा दोगे, इंग्लिश की किताब एक जगह लगा दोगे, साइंस की किताब एक जगह लगा दोगे, यही तो करोगे। अब दूसरा तरीका क्या आता है, हम क्या करें, यानी कि अंकगणित की अलग लगाएंगे, अर्थशास्त्र की यानी इस तरह लगा देंगे, या फिर अरेंजमेंट के हिसाब से लगाएंगे, पहले यानी कि पहले लगाएंगे अर्थमेटिक, फिर क्या है इकोनॉमिक्स, फिर फिजिक्स, फिर ज्योग्राफी, फिर आपकी मैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रॉनिक, फिर इस तरह से लगाएंगे, तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी आ जाएगी। तो क्या कहते हैं, यानी कि रंगनाथन जी कहते हैं, रंगनाथन जी ने जो नामांकित कारणों से विषय को वर्गीकृत करने के व्यवस्थित को एक उचित नहीं माना है, क्या कहा है, उचित नहीं माना है, और उन्होंने क्या है वर्गी यानी कि वर्ण क्रम की असमर्थता, यानी कि अनहेल्पफुलनेस ऑफ अल्फ़ाबेट सीक्वेंस की बात कही है, क्या है अल्फ़ाबेट सीक्वेंस की बात कही है, और ग्रंथालय में क्या है अल्फ़ाबेट ऑर्डरिंग और वर्गीकरण और यानी क्लासिफिकेशन ऑर्डरिंग की बात आपको मैंने बताई है, यानी कि आवश्यकता चल रही है उसकी। और आवश्यकता क्या हो रही है, आवश्यकता यही हो रही है कि अगर कहीं ना कहीं हम चीज़ों को लेकर चलें तो उसमें हमें कहीं ना कहीं चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे पहले देखिए, यानी कि वर्ण क्रम की असमर्थता, दो नंबर क्या है वर्ण क्रम पर विषय के नाम में परिवर्तन का प्रभाव, ठीक है,
इसमें क्या हो जाएगा, प्रभाव हो जाएगा। तीसरे नंबर क्या आ जाएगा आपका, वर्ण क्रम पर पर्यायवाची शब्दों का प्रभाव। अब ये क्या है, सारे के सारे आपके कहीं ना कहीं, जैसे आपका मान के चले ग्रेट ब्रिटेन और क्या है यूनाइटेड किंगडम, विटामिन सी और क्या है, विटामिन सी को और क्या कहते हैं बताओ। तो इस तरह से कहीं ना कहीं उसका नाम की वर्ग क्या ने की उसकी जगह पर्यायवाची। तीसरा क्या है, वर्ण क्रम पर छिसम भिन्न सार्थक शब्दों का प्रभाव। ठीक है, तो ये आपका देखने के लिए मिलेगा। फिर आपका आ जाएगा लास्ट आ जाएगा भाषा की विभिन्नता, यानी कि पांचवा नंबर आ जाएगा भाषाओं की विभिन्नता का वर्ण क्रम पर प्रभाव। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, विषयों के नाम में विभिन्न शब्दों यानी भिन्न भिन्न शब्दों की शुरुआत होना, उससे क्या होगा, व्यवस्थापित गड़बड़ी यानी कि जाती है, और कहीं ना कहीं पाठकों और उसके ग्रंथ है कर्मियों को कठिनाइयों की सामना करना पड़ता है। जैसे क्या है, फिजिक्स विषय हो गया को हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, भौतिक यानी कि एक तरह से भौतिकी तथा केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहेंगे, रसायन विज्ञान कहेंगे। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये आपने इसने कही गई है बातें। फिर आती है फंक्शन ऑफ यानी कि कार्य, इसके कार्य। अब कार्य क्या है, अंक यानी अंकन ग्रंथ के वर्णित विशिष्ट शब्दों के नाम को प्राकृतिक भाषा में कृत्रिम भाषा परिवर्तन करने में सहायता प्रदान करता है। ये क्या करता है, प्राकृतिक भाषा को कृत्रिम भाषा के रूप में एक तरह से परिवर्तन करने में सहायता प्रदान करता है। दूसरा क्या है, यह विषयों को एक तरह से सहायक क्रम में व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करता है। फिर दूसरा क्या है, अल्फ यानी कि अल्फ एक तरह से जो आपके क्या है अल्फाबेटिकली सब्जेक्ट इंडेक्स का निर्माण अंकन के आधार पर ही संभव हो सकता है। फिर आता है बिना ग्रंथों को पढ़े ही उसके विशिष्ट विषय का ज्ञान अंकन की सहायता में प्राप्त होता है। फिर आपका आ जाएगा और आपका आ जाएगा इसमें ग्रंथों के प्रदर्शित करने के में सहायता मिलती है। ग्रंथ सूची की सफलता अंक पर निर्भर एक तरह से क्या होता है निर्धारित हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं इसके कार्य के यानी कि इसके कार्य आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब आता है प्रकार, यानी कि प्रकार में आपको देख लेना है, यानी कि प्रकार में आपको चलना है। तो हम करेंगे अंकन के प्रकार यानी कि काइंड्स ऑफ नोटेशन। ठीक है, पहला क्या आएगा, शुद्ध शुद्ध अंकन। दूसरा क्या है आपका, मिक्स मिश्रित अंकन। शुद्ध में क्या आएगा, यानी कि शुद्ध में आपका हो जाएगा जैसे कि क्या है, शुद्ध में होता है एक तरह से प्रतीक व यानी कि जैसे एक ही प्रकार के प्रतीकों व चिन्हों का निर्मित अंक शुद्ध अंक कहलाता है। क्या होता है, एक अंक जैसे आपका मान लीजिए एक का ए हो गया, दो का बी हो गया, तो वो कहीं ना कहीं शुद्ध अंकन होगा। अशुद्ध अंकन को एक तरह से सिंगल डिजिट में फॉर्म करा जाता है। जैसे कि मान लीजिए सिंगल डिजिट मतलब एक स्पेसिफिक के लिए स्पेसिफिक, यानी शुद्ध अंकन के चिन्हों को लिखना पढ़ना और समझ रखना कहीं ना कहीं आसान होता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं तरीके से चिन्हों का प्रयोग यानी कि तरह से प्रयोग करा जाता है। और ये क्या है, ये आसान पद्धति के रूप में मानी जाती है। ठीक है, अब क्या है, इसके बाद आता है मिक्स, यानी कि इसके बाद क्या आ जाता है, मिक्स। अब मिक्स में क्या हो जाएगा, मिक्स आपको जैसे शब्द से पता चला है कि वो कहीं ना कहीं
मिक्स की बात करेगा। मिक्स में क्या हो जाएगा, जैसे आपका क्या एक इससे अधिक चिन्हों व प्रतीकों का प्रयोग निर्मित अंकन के लिए मिश्रित अंकन कहलाता है। यानी एक से अधिक जो का आपको देखने के मिला है, जैसे क्या है आपका सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन हो गया, रंगानाथन जी की कॉलोन क्लासिफिकेशन क्या है, सीसी जो है मिक्स यानी कि मिश्रित अंकन का प्रयोग किया जाता है उसमें, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ के बारे में कही गई है अंकन की बात। ठीक है, तो यानी कि मिक्स पर मिक्स में क्या हो जाएगा एर, यानी कि मिक्स में आपका पंक्तियाँ यानी कि श्रेणी एरे और चेनिंग सिस्टम ये भी आ जाएंगे, तो आपको ये बता। और मिक्स पद्धति क्यों लाएगी, देखो मिक्स पद्धति का एक तरह से लाने का ये है, जैसे हमारी क्या होती है मैथ्स में कहीं ना कहीं हम जोड़ते 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 हम एक सीरीज़ के फॉर्म में चलते चले जाते हैं, यानी कि हम चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे आपकी हिंदी है इंग्लिश यानी कि लैंग्वेज है, ये क्या है आपके एक लिमिट तक ही सीमित है, यानी कि आप क्या कर बढ़ा नहीं सकते। जैसे ए टू जेड है तो ए टू जेड तक ही रहेगी, पर यहाँ पर क्या है मैथ्स में आप क्या है एक्स यानी कि आप ए बड़ा भी ले सकते हो, ए छोटा यानी छोटा ए भी ले सकते हो, एक जगह उससे वैल्यू को भी ले सकते हो, तो वही कहीं ना कहीं मिक्स में ये बात आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो यहाँ तक कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ये कहीं ना कहीं किस तरह से आपके सामने प्रेजेंट होता है। सीधे सीधे अगर हम एक चीज़ में लेके चलें आपको डेफिनेशन, जैसे शुरू में आपको लेके चलता हूँ तो डेफिनेशन क्या बताती है, यानी कि डेफिनेशन आपको सीधे सीधे बताती है वर्गीकरण क्या करती है, एक तरह से कॉल नंबर का काम करती है। और ये क्या करती है हमें एक तरह से सीधे सीधे, जैसे हम क्या करते हैं एक किताब है लाइब्रेरी में, एक किताब को एक आइडेंटिफिकेशन मिला होता है, एक नंबर मिला होता है, वही काम करती है, यानी कि आपका नोटेशन वाला सिस्टम उसी तरह से काम करते हैं। नोटेशन में एक मिक्स नोटेशन होता है और एक कैसा नोटेशन होता है, एक आपका नॉर्मल नोटेशन होता है जिसे हम क्या कहते हैं आपका शुद्ध नोटेशन यानी प्योर नोटेशन। ठीक है, प्योर में क्या है एक नंबर एक के लिए प्रेजेंट होगा, और मिक्स में क्या होगा मिक्स मतलब दोनों दो नंबर तीन नंबर एक के लिए प्रेजेंट होंगे। तो ये कहीं ना कहीं बात कही गई है नोटेशन के बारे में। ठीक है बच्चों, और एक चीज़ और आपकी है, अभी कुछ टाइम में आपके क्वेश्चन आंसर की जो चीज़ें हैं वो फाइल बन चुकी है, वो भी शुरू होने वाली है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जिससे क्या हो। और PYQ जरूर कर लीजिए, PYQ को कम से कम उसमें से को 5 से 10 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, चाहे अभी आप लिख लो चाहे बाद में लिख लेना। ठीक है, PYQ को जरूर कर लेना, जो मैंने कराया हुआ है उसे रट लो, उसके आंसर ले लो, और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लो। ठीक है बच्चों, और उसकी प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं कि डाउनलोड करके रख लो, डाउनलोड करने का मतलब ये है उसके आंसर की असली लास्ट में उसके साथ नहीं जोड़ के बाद में देगी, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उससे आपका क्या है यानी कि उसके मान के चलिए 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।